आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। आदित्य की मौत पर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च और की सीबीआई जांच की मांग। चेन्नई में मर्चेंट नेवी की पढ़ाई करने के दौरान संगीन स्थिति में आदित्य शर्मा की मौत मामले ने तुल पकड़ लिया है। पटना में शव आने के बाद व संस्कार होने के बाद आदित्य के दोस्त समेत रिश्तेदारों में काफी आक्रोश है। परिजन हत्या मान रहे हैं। वहीं सोमवार को हत्या के विरुद्ध में पिता रतन शर्मा, कृष्णा कुल्लू, सिंधु गुप्ता समेत सैकड़ों की संख्या में युवा व छात्र ने कैंडल मार्च निकाला। शाम करीब 5 बजे युवाओं ने गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक गोलंबर पर कैंडल मार्च निकाला और प्रशासन से सीबीआई जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। पिता रतन शर्मा ने कहा कि उनके बेटे की हत्या की गई है, लेकिन चेन्नई पुलिस ने खानापूर्ति की है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि गांधी मैदान थाना क्षेत्र के सालिमपुर अरहा गली नंबर 2 के रहने वाले 20 वर्षीय आदित्य चेन्नई में मर्चेंट नेवी की पढ़ाई करता था। पिता शहर में इलेक्ट्रॉनिक का दुकान चलाता है। आदित्य 22 दिसंबर को चेन्नई गया था। 24 दिसंबर को उसकी मौत की सूचना चेन्नई की पुलिस ने गांधी मैदान थाने की पुलिस व परिजनों को दी। के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से हमारा यह मांग है, आग्रह है कि चेन्नई के स्थानीय सरकार से वार्तालाप कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मैं मांग करता हूं। इस घटना की पूरी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और बिहार का ही लड़का के साथ हर स्टेट में ऐसी घटना क्यों घटती है। बिहार के मुख्यमंत्री जी को अभिलंब संज्ञान लेना चाहिए और उनके पिताजी भी आज हम लोगों के साथ खड़े हैं। घटना की तो हो गई थी ना, आज आप आज हम लोगों ने उनकी आत्मा के शांति के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, लेकिन पूरा क्लियर नहीं पता चल पाया है। उन दरिंदों को अभी तक कोई सजा नहीं मिल पाया है। हम लोग सजा की मांग करते हैं। रतन कुमार शर्मा, लोगों नीचे रखा जा रहा है, आप आज धरना में शामिल हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, सरकार से आपकी क्या मांग होगी, एक प्राथमिक मांग बताइए। प्राथमिक मांग मेरी है कि मेरे बेटे के हत्यारों को सजा दी जाए और न्याय हो मेरे साथ। न्याय हो आपके साथ, आप भी न्याय। मैं इनके कंपनी में साथ काम करता हूँ। आप प्रदर्शन फिर आगे जारी रखेंगे? हाँ, प्रदर्शन जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। शांतिपूर्वक प्रदर्शन हम लोग करेंगे और मुझे उम्मीद है अपने राज्य सरकार पर इसमें हस्तक्षेप कर बिहार के लाल, बिहार के बेटा आदित्य शर्मा को न्याय जरूर दिलाएंगे। आप तमाम मीडिया के साथियों से भी मेरा यह आग्रह है कि वो आपका भी कहीं ना कहीं भाई और बेटा जरूर था, इसलिए आप इस आवाज़ को बिहार के मुख्यमंत्री तक अवश्य पहुँचाएँ।